देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन ओवरऑल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छे होने के कारण ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप अपने सोचे हुए सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर भी पाइएगा। कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी और किसी नए काम की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो कल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, परिवार में सुख शांति का माहौल भी बना रहेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी और कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 82% तक आपके फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी बनता है। उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कीजिए दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां महसूस हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यर्थ के वाद विवाद में फंस सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार के दुखद समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से भी वाद विवाद हो सकता है और कार्य क्षेत्रों में भी कुछ रुकावटों के बाद ही सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति हालांकि सामान्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर कल का दिन 79% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है और कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार एवं जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार में किसी प्रकार के हानि का सामना भी कल के दिन करना पड़ सकता है। साझेदारी में निवेश करते समय बहुत सावधानी आपको बरतना चाहिए। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। 77% तक का समय कल के दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का कल के दिन अगर पाठ करते हैं दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए पहले से बेहतर होगा। धार्मिक क्षेत्र में रुझान आपका बढ़ेगा। व्यापार में कोई नई साझेदारी आप कल के दिन कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक अच्छा है। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग स्लेटी बनता है। उपाय के लिए कल के दिन गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो दिन आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, आपको कल किसी भी प्रकार का एक शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे और स्वास्थ्य जो रहेगा वो पहले से ठीक रहेगा। परिवार में चली आ रही आपसी परेशानी जो है, मतभेद, वो खत्म होगा और व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है जो आपके पक्ष में होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए वाहन, मकान आदि के खरीदने की योजना भी आप बना सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए कल का दिन अच्छा है। 72% तक का दिन मुझे ठीक दिख रहा है। 9 शुभ अंक और काला शुभ रंग बन रहा है। कल के दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां रहेंगी और कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी और वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कोई भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 76% तक आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, दिन श्रेष्ठ बनेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल आप किसी आवश्यक काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन ओवरऑल ठीक रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां बन सकती है।
छोटे भाई बहनों का हालांकि सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कल का दिन 78% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को मीठा फल अर्पित कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा और आप अपनी कार्य को पूरी ईमानदारी से पूर्ण भी करेंगे। व्यापार में भी लाभ की स्थिति बन रही है और कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन कल के दिन हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर कल का दिन 80% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन कर आ रहा है। उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ को अगर आप जल अर्पित करते हैं, दिन आपके लिए श्रेष्ठ बनेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। कोई नया वाहन, भूमि, मकान आदि खरीदना चाहते हैं तो कल का दिन अच्छा है और किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए कल का दिन अच्छा है। मित्र रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा और कार्य व्यवसाय में आपकी आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो मजबूत रहेगी। आमदनी के नए स्रोत प्राप्त होंगे और परिवार में मतभेद की स्थिति हालांकि बन सकती है। स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहेगा। 82% तक का समय अच्छा दिख रहा है। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए भोजन का कुछ पार्ट अगर आप पशु पक्षियों में वितरित कर देते हैं तो आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए आपको स्वास्थ्य को लेकर कल चिंता हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर आर्थिक खर्च भी बढ़ेंगी क्योंकि मानसिक परेशानी एकदम बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि परिवार की जो स्थिति रहेगी वो सामान्य रहेगी। व्यापार में हानि का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 79% तक अच्छा है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए आपको कल के दिन कौवे को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। वाणी को संयमित रखिए। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटों के बाद सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो सामान्य बीतते हुए दिख रही है। नौकरी कर रहे जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। लव रोमांस में मधुरता बढ़ेगी। कुल मिलाकर 77% तक का दिन अच्छा है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग लाल बन रहा है। उपाय के लिए शनि का जो बीज मंत्र होता है उसका कल के दिन आपको जाप करना चाहिए। अभी मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए मीन लग्न में कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना भी कल के दिन आप बना सकते हैं। साझेदारी में किए गए व्यवसाय से आपको लाभ की योग कल बन रहे हैं और लंबी दूरी की यात्राओं से भी लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। उधर संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी का हालांकि सहयोग आपको मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए कल का जो दिन रहेगा 81% तक अच्छा है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए अनाथालय में फल का दान करके आइए। कल का दिन अच्छा बीतने वाला है।